नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एनेक्सी भवन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को 6 वर्ष और 6 दिन हो गए हैं, जिन्होंने दूसरी बार 25 मार्च 2022 को सीएम पद की शपथ ली है, तब से पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है और 37 वर्ष बाद यह स्थिति दोहराई गई है कि किसी पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाया है। इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, प्रदेश में लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और कानून का राज है, सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, देश और दुनिया में योगी मॉडल को सराहा जा रहा है, बड़े पैमाने पर अपराधियों के ऊपर कार्यवाही हुई है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा है और महिलाओं के साथ अपराध के मामले में अपराधियों को सजा हुई है। इसके अलावा साइबर क्राइम मामले में भी यूपी पीछे नहीं है। अभी लखनऊ में 10 से 12 तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, जिसमें भारी मात्रा में निवेश प्राप्त हुआ है, जो कि योगी आदित्यनाथ के सरकार की वजह से हो रहा है। अब यूपी प्रोग्रेसिव प्रदेश के लिए जाना जाता है। प्रदेश के 3 जनपद गोरखपुर, लखनऊ, बदायूं में महिला पीएससी बटालियन को स्थापित किया जा रहा है। 1,64,000 से अधिक पदों पर महिला पुलिस की भर्ती हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, ये 1 साल का है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो आवास प्रधानमंत्री की 1 साल में दिए गए, उसमें 9,070 आवास ग्रामीण क्षेत्र में, 8,525 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 9,070 और शहरी क्षेत्र में 8,525। इसके अतिरिक्त आयुष्मान योजना के तहत जो भारत सरकार की योजना थी, जिसमें 40% पैसा योगी सरकार का है, यानी 5 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये भारत सरकार का, 2 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार का, इस प्रकार आयुष्मान योजना संचालित है। इसमें 68,659 गोल्डन कार्ड होल्डर हैं। इस योजना के अंतर्गत 57,05,00,000 की राशि से 51,283 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। ये गोरखपुर का फिगर है, 51,283 मरीजों का 57,05,00,000 रुपए से इलाज किया गया। इसमें ये बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है इस आयुष्मान योजना से। कन्या सुमंगला योजना के तहत मैं अपना बता चुका हूँ, सामूहिक विवाह योजना जो गोरखपुर में हुआ, इसमें 1,505 जोड़ों का विवाह गोरखपुर में 1 साल में संपन्न हुआ और अभी तक जब से यह योजना प्रारंभ हुई तब से गोरखपुर में 3,026 जोड़े विवाह में का विवाह इसके पहले हो चुका था। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कन्याओं के पैदा होने से लेकर उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कराना और फिर उसके बाद सामूहिक विवाह के माध्यम से उनका ब्याह कराना, ये अपने आप में एक अभिनव योजना है जो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक थी। इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गोरखपुर में 4,182 समूहों का गठन किया गया और शहरी क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप 252 समूहों का गठन किया गया। 17-18 से लेकर 21-22 तक ग्रामीण क्षेत्र में इसमें 14,915 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 943 शहरी समूहों का गठन किया गया। ये भी अपने आप में कोई न कोई महिला उद्यम करती हैं, उसमें उनको मानदेय भी मिलता है और हम कम ब्याज के ऊपर उनको ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। खास तौर से आवागमन की सुविधा के लिए चौराहों के ऊपर लोगों का आवागमन सुचारू रूप से रहे, इसके लिए खास तौर से ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था भी की गई है गोरखपुर में। दिव्यांग, वृद्ध और महिला विधवा पेंशन की व्यवस्था, जो 1 वर्ष में वृद्धा पेंशन 44,345, विकलांग पेंशन 2209, विधवा पेंशन 2156 नए लाभार्थियों को स्वीकृत देकर लाभान्वित किया गया है। जनपद में 17 से लेकर 21-22 तक 27,880 दिव्यांग पेंशन, 1,48,508 वृद्धावस्था पेंशन और 68,827 निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थी पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था, गोरखपुर में विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 45,100 स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया गया।
ओडीओपी योजना का योगदान में 400 लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें टूल किट वितरित की गई। नगर निगम एक शासन है जो हमारे संकल्प पत्र में कहा गया था और माननीय योगी जी का जो अपना संकल्प है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, इसी आधार पर उन्होंने काम किया बिना किसी भेदभाव के। सभी लोगों तक विकास की किरण पहुंचे, विकास की योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिले, इस दृष्टि से कार्य किया और आज उसी के आधार पर जो पब्लिक परसेप्शन बना है वो लोग उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में देखते हैं। देश और दुनिया में आज योगी मॉडल को सराहा जाता है और इसका अनुकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। बड़े पैमाने पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में हैं और या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किसी की यह हिम्मत नहीं है कि कोई कानून को अपने हाथ में ले, और कानून को जिन्होंने हाथ में अपने लिया उनको कानून के दायरे में सजा भी दी गई। और चाहे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हो और चाहे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी लोगों ने इस बात को माना है कि हमने प्रिवेंशन भी किया और इलाज भी किया। आज महिलाओं के मामले में एनसीआरबी का जो आंकड़ा है कि 59.1% की सजा है, चाहे वो पॉक्सो हो या फिर महिलाओं के प्रति हो या दलित अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति हो, अगर किसी क्षेत्र में क्राइम हुआ चाहे वो साइबर क्राइम हो, हर क्षेत्र में सरकार ने, पुलिस विभाग ने, संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है और उसी के आधार पर ये लोक दृष्टि बनी है।